एक बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट होती है वो 4 स्टेजेस में होता है। पहला उसके तब होता है जब वो माँ के उम में होता है, दूसरा स्टेज उसका अर्ली चाइल्डहुड होता है, तीसरा स्टेज उसका टीनेज होता है, और चौथा स्टेज उसके एडोलेसेंस की एज होते हैं। तो दोस्तों, माँ के उम में किस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होता है और उस बच्चे के डेवलपमेंट में माँ का क्या रोल है, उसके परिवार का क्या रोल है, उसके सराउंडिंग का, एनवायरनमेंट का क्या रोल है, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं चेक किया है, प्लीज़ डू चेक माई लास्ट वीडियोज ऑफ प्रिंसिपल 4, एंड प्लीज़ गो थ्रू द बुक, टोटल बुक। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है आप बुक के थ्रू जरूर जाइए। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल 5, अर्ली चाइल्डहुड इज द फाउंडेशन। दोस्तों देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं पेरेंटिंग के 9 प्रिंसिपल फ्रॉम द बुक द विजडम ब्रिज, रिटन बाय हमारे दादी डॉक्टर कमलेश डी पटेल जी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि एक बच्चे का जो 3 ईयर तक उसका जो जर्नी होता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि 3 वर्ष तक बच्चा कहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, किस तरह से उसकी परवरिश हो रही है, क्योंकि उसका ब्रेन का जो 90% डेवलपमेंट होता है वो उसके 3 ईयर तक हो जाते हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा जब 3 साल का होता है वो डिसीजन ले सकता है, वो एडल्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। ब्रेन का जो फिजियोलॉजी होता है वो 90% तक फिनिश हो जाता है विद इन 3 ईयर। तो आपको ये तो पता चल रहा होगा कि ये जो टाइम पीरियड है ये कितना ज़्यादा स्पेशल है। इसको गोल्डन टाइम बोला जाता है इस टाइम पीरियड को। तो देखिए, हमें इस इन चीज़ों को समझना, ब्रेन को समझना, ब्रेन कैसे बनता है उसको समझना और उसमें हमारा क्या रोल है समझना, ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो इसके बारे में आज के चैप्टर में, इस पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने बोला कि बच्चे का ब्रेन, ब्रेन के बारे में हम थोड़ा सा साइंटिफिकली जाते हैं, ज़्यादा डीप नहीं, बस थोड़ा सा समझते हैं। जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो एक वॉलनट शेप की होती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें 90% वाटर होता है, ठीक है। ब्रेन में जो कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। इन न्यूरॉन्स में डेंड्राइट होते हैं, ठीक है। डेंड्राइट का काम क्या है, वो क्या करता है, सारे इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और एक सेल को ट्रांसफर करता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लेता है और देता है। तो एक डेंड्राइट और एक डेंड्राइट जहाँ पर मिलते हैं, वो जो कनेक्टिव जो पॉइंट है उसको सिनाप्सिस बोलते हैं, ठीक है। सिनेप्टिक कनेक्शन जो है उसको सिनाप्सिस बोलते हैं। सिर्फ इतना याद रखना है हमको, ठीक है। तो अभी चलिए देखते हैं, ये जो बेबीज के अंदर 86 बिलियन न्यूरन होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, और 50 ट्रिलियन सिनेप्सिस होते हैं। लेकिन एट द एज ऑफ 3, वो जो 50 ट्रिलियन सिनेप्सिस वो 1000 ट्रिलियन सिनेप्टिक कनेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना जल्दी वो 3 ईयर के अंदर वो जो बच्चे का जो कनेक्शन है, बच्चे का जो न्यूरल सेल्स है, वो कितना जल्दी ग्रो कर रहा है, समझ रहे हैं। 50 ट्रिलियन से 1000 ट्रिलियन हो जाता है। और जब आप मिड एडोलेसेंस के एज में पहुंच जाते हैं तो वो कम के 500 ट्रिलियन ही रहता है, सिनेप्टिक कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो अभी ये जो चीज हम समझते हैं कि इसको हम किस तरह से समझें और इसको हम किस तरह से यूटिलाइज करें। देखिए, ये जो सिनेप्टिक कनेक्शन है ये कैसे बनता है, आप जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ सीखेंगे, उतना ज़्यादा सिनेप्टिक कनेक्शन बनता जाएगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आएगा और एक सेल को जाएगा तो वो कनेक्शन बढ़ता जाएगा। वो कनेक्शन जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आपका ब्रेन उतना ज़्यादा एक्टिव होता रहेगा, ठीक है। और ये बच्चों के अंदर 3 ईयर के अंदर पीक पर होता है, ठीक है। तो अभी आइए हम जानते हैं कि ये किस तरह से, कौन से वो कैटलिस्ट है जिसके थ्रू ये सब इंफॉर्मेशन बच्चों को मिलता है। वो कैटलिस्ट कौन है, वो कैटलिस्ट है उसके सेंस ऑर्गन। यानी कि विद इन 3 ईयर बच्चों का जो स्मेल होता है, टच होता है, देन हियरिंग होता है, विजन होता है, इस सेंस, इन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू
वो जो भी चीजें देखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो इमिडिएटली उनके ब्रेन में छप जाता है। सिनेप्टिक कनेक्शन उनका ऑलरेडी बन जाता है, ठीक है। तो उनके माइंड में वायरिंग एंड रीवायरिंग का जो प्रोसेस है, जिसको अगर हम साइंटिफिकल टर्म में देखें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का ये जो प्रोसेस है, जो वायरिंग रीवायरिंग ऑफ जो ब्रेन है, वो एकदम पिक लेवल पर होता है। तो उस टाइम पर देखिए, जब सारी चीजें पिक लेवल पर है, बच्चा जो भी देखेगा फट से उसको उसके दिमाग में रह जाएगा, प्रिंट बन के रह जाएगा। और क्या होता है, देखिए, अगर एक चीज को बार 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 आप उसी सेंस को रिसीव करते हैं, तो जो सिनेप्टिक जो कनेक्शन है, वो बॉन्ड जो है, वो और स्ट्रांग बनता जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई कुछ अच्छा चीज बच्चा बार बार देखेगा, तो उसके माइंड में वो अच्छा चीज का जो इमेज है, जो भी इम्पैक्ट है, वो और स्ट्रांगली बनता जाएगा। और यही चीज बुरी चीज के साथ भी होगा। तो इसका ध्यान हमें बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा कि विद इन 3 ईयर कितना ज्यादा जरूरी है हमें ये इन ईयर्स को, इन टाइम पीरियड को बहुत बहुत कससली, बहुत कॉन्शियसली, बहुत केयरफुली हमें इन टाइम को हैंडल करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर अभी हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम क्या करें, हमारा क्या रोल है। बच्चे के लिए तो हमें पता चल गया है ना, तो बच्चे का जो ब्रेन होता है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से बढ़ता है उसका सेल्स। तो अभी हमारा काम है, हमारा काम क्या है, हमें रिलैक्स रहना है सबसे पहली बात, दूसरी बात पेशेंस रखना है। देखिए, इस अगर हम अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ 3 ही काम करनी है। सबसे पहला काम हमें ये करना है, लिसन टू देम, लिसन टू देम। पहले पहले हमें उनको सुनना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें हमेशा उनके लिए एक्सेसिबल रहना पड़ेगा। देखिए, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो सोल होता है वो हमें चूज करता है, यानी कि हम ग्रेटफुल हैं कि एक सोल हमें चूज कर रहा है एज ए पेरेंट। तो हमें हमेशा उसके केयर के लिए एक्सेसिबल, उसके लिए हमेशा रहना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात है, हमें ये पेशेंस रखना पड़ेगा हर चीज में, और ये विश्वास रखना पड़ेगा कि एवरीथिंग स्लोली होता है। सारी जो चीजें होती है वो स्लो होती है, स्लो एंड स्टेडी होती है, ठीक है। तो कोई भी चीज में आप जल्दबाजी मत कीजिए, डिसीजन लेने में जल्दबाजी मत कीजिए, या फिर बच्चों के ऊपर अपने जो डिसीजन को थोपने में आप जल्दबाजी मत कीजिए, या फिर बच्चा अगर डिस्ट्रैक्ट हो गया है तो भी आप इम्पेशेंसफुली उसको हैंडल मत कीजिए। अपने अंदर पहले वो पेशेंस लाइए। देखिए, पहले एक्सेसिबल रहिए बच्चे के लिए, दूसरा फिर भी अगर बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है तो अपने अंदर वो पेशेंस को बनाए रखिए, तीसरा राइट टाइम पर राइट एक्शन लीजिए, और वेट कीजिए। देखिए, एक एक्शन लेने के बाद, मान लीजिए मुझे आलू उबालना है, तो मैंने आलू को पानी बिठा दिया, उसमें आलू बिठा दिया, गैस जला दिया, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट ही करना पड़ेगा जब तक कि आलू ना उबला हो। उसके बीच में कुछ नहीं कर सकती, कुछ इंटरप्ट नहीं कर सकती। बार बार अगर मैं कुकर खोल खोल के देखूंगी आलू उबला या नहीं उबला है, तो वो कभी नहीं उबलेगा। तो यही है तीसरा जो मेन चीज, ये है कि राइट टाइम पर राइट एक्शन लीजिए, नॉलेज लीजिए। अगर हमें पता नहीं है तो बहुत सारे बुक्स हैं, ये बुक हैं जो बुक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो इन बुक से आप नॉलेज लीजिए कि किस तरह से बच्चों को हैंडल किया जाता है। खुद पहले सीखिए, उसके बाद राइट एक्शन लीजिए बच्चे के तरफ, बच्चे के भविष्य के तरफ, बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट के तरफ। उसके बाद वेट कीजिए, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड डोंट इंटरप्ट विद दैट। हमने बोला ना, अगर बार बार आप कुकर खोल के देखेंगे तो वो आलू कभी नहीं उबलेगा, कैसे उबलेगा। तो हमें राइट एक्शन लेके उसको पेशेंसफुली वेट करना पड़ेगा रिजल्ट आने तक, ठीक है। तो देखिए, रिलैक्स रहिए, बहुत ज्यादा ये करना है वो करना है इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बच्चे के ऊपर
अपना प्रेशर डालने की भी जरूरत नहीं है या फिर बच्चे के प्रेशर अपने ऊपर भी लाने की जरूरत नहीं है। आप जितना ज्यादा पेशेंसफुली, पीसफुली, हैप्पीली ये वाली जो पीरियड्स है, ये जो चाइल्ड बच्चे का जो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है, आप उसको जितने अच्छे से एंजॉय करेंगे, बच्चा भी उतने अच्छे से अपने अर्ली चाइल्डहुड को एंजॉय करेगा। इरिटेट मत होइए कि ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, कितना जल्दी बड़ा होगा। आपके बच्चे जल्दी बड़ा होना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो आपके लव एंड केयर चाहते हैं। देखिए, अभी हम लोग भी चाहते हैं कि मेरी मम्मी अगर उसके गोदी में सुला देती तो कितना अच्छा होता। तो ये जो लव एंड केयर की जो भूख होता है, ये सबको होता है। तो बी काइंड टू योर सेल्फ एंड बी काइंड टू योर जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे आपके बच्चे हैं, ठीक है? पेशेंसफुली हैंडल कीजिए। हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा अलग होता है। किसको ड्राइंग करना पसंद है, किसको किचन में सामान वो करना पसंद है, किसको पढ़ना पसंद है, किसको नाचना पसंद है, किसको गाना पसंद है, हर किसी का अलग अलग पसंद होता है। आप हर किसी के पसंद को अपनाइए, एक्सेप्ट कीजिए और फिर उसको एक्सप्लोर करने में उसको हेल्प कीजिए। उसके ऊपर अपने जो इच्छाएं हैं उसको मत थोपिए, ठीक है? तो ये पार्ट वन था। हम पार्ट टू, पार्ट थ्री में और बहुत डीपली बहुत सी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल एंड प्लीज गो थ्रू द बुक। थैंक यू सो मच।